अभी 6 o'clock मॉर्निंग है, ठीक है। मैं अभी दरवाज़ा खोल रही हूँ, अभी उठी हूँ मैं, मुझे फ्रेश होना है। देखिए मैंने रंगोली जो डाला था वो दिखा रही हूँ, ये मेन डोर है, ये गणेश है ब्रास का। वेलकम टू बैक माय चैनल व्यूवर्स। मैं अभी चाय बना रही हूँ और बहुत अच्छा लगता है चाय, सुबह सुबह गरम गरम चाय बिस्किट के साथ। और एक बात है, इस साल हम कोई त्यौहार नहीं मना रहे हैं, जनवरी तक, संक्रांति पोंगल तक हमारे घर में कोई त्यौहार एक साल तक हम नहीं मना सकते, उसके कुछ रीज़न्स है, तो मैं आपको नेक्स्ट कभी भी किसी दिन भी बताऊंगी। आज का दिन का त्यौहार है तो सबको शुभकामनाएं, सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं कहती हूं मैं आज। गौरी गणेशा, आप सभी लोगों को आपके जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है, उसको सब आपके विशेष को पूरा करे, आपके फैमिली के लिए एक ब्लेसिंग्स करे। हम अच्छा कर्म करेंगे तो ज़रूर हमारे साथ हमारे आसपास पॉजिटिव वाइब्स रहते ही रहते हैं। देखिए आज मैं क्या खाना बना रही हूँ, हमारे घर में तो त्यौहार नहीं मना रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, तो एक राइस सेमिया है, ये आपको प्रोविजन स्टोर और सुपर बाज़ार में मिल जाएंगे। ये अनिल शावगे है, हम कन्नड़ में शावगे कहते हैं, सेमिया है ये, सेवैया राइस के। तो मैं इसको बॉईल कर रही हूँ, इसे बॉईल करने के बाद स्ट्रेन किया है पानी को। देखिए ये ऐसा होता है, इसको आप चाहे तो अनियन चिल्ली का तड़का लगा सकते हो। ये मेरा त्यौहार का लुक है। और सभी बोलो आज गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। और मेरा साड़ी का पूरा मैं लुक दिखा रही हूँ, ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही सॉफ्ट सिल्क, सॉफ्ट इसका नाम ही सॉफ्ट सिल्क है, जो इस साड़ी को मेरी दीदी ने अपने बेटे की, बड़े बेटे की शादी में मुझे गिफ्ट दिया था, उनका नाम वीणा है। तो मैं अपनी दीदी को थैंक यू बोलना चाहूँगी, जो उन्होंने इतना सुंदर साड़ी मुझे गिफ्ट दिया है। इसका कलर कॉम्बिनेशन भी इतना अच्छा है ना, मतलब मेरे कॉम्प्लेक्शन के लिए बहुत ही ये सूट होता है, पिंक पर्पल येलो और गोल्ड। देखिए ये साड़ी पहनूंगी तो इतना हल्का फील होता है मुझे, कि कोई कोई भारी साड़ी रहती है बहुत, हमको चलने को घूमने को नहीं होता, वैसा नहीं है ये। और मैंने झुमका और नेकलेस भी पहना है। आइए अभी खाना खाते हैं। देखिए खाना खाने के लिए मैंने ये बनाया है, ये राइस सेवैया है, इसके साथ आप देखिए ये पायसा हम कहते हैं, कोकोनट खीर है ये, कोकोनट और खसखस गुड़ ये डालकर पेस्ट करके हम बनाते हैं बॉईल करके। और ये बैंगन और चने की सब्जी है, जो साबुत चने होते हैं, काले चने और बैंगन दोनों मिला के मैंने ग्रेवी जैसा सब्जी बनाया है। और ये हम कन्नड़ में कोसंबरी कहते हैं, जो कच्चे मूंग दाल, येलो मूंग दाल होती है, उसके साथ अनियन चिल्ली, कैरेट ग्रेटेड और थोड़ा कोकोनट ग्रेटेड, और तड़का लगाते हैं इतना ही बस, थोड़ा लेमन जूस डालते हैं। एक बार बना कर देखिए, कोसंबरी बहुत टेस्टी रहता है आपको त्यौहार के खाने के साथ। और ये मूंग दाल है, राइस के साथ मैंने ये मूंग दाल बनाया है, तूर दाल नहीं बनाया है मैंने। और आज हम मोदक नहीं बनाया है, क्योंकि त्यौहार तो हम नहीं मना सकते, तो मोदक खाना मुझे उतना अच्छा भी नहीं लगा। इस खाने के साथ अगर मोदक और अच्छा एक टेस्टी घी होता तो ना, बहुत ही मतलब इतना खुशी दुगना होता है, बता नहीं सकती। मुझे तो मोदक और पूरन पोली ये सारे बहुत ही अच्छे लगते हैं, मैं मिस कर रही हूँ अपने मोदक को, कभी खाऊंगी कभी नेक्स्ट त्यौहार पे। अभी तो हम जनवरी तक कोई त्यौहार नहीं मना सकते। देखिए ये सेवैया और कोकोनट खीर है, बहुत ही अच्छा खाना बनाता, बहुत ही टेस्टी बनाता, लेकिन एक ही कुछ कमी रह गई, मोदक और घी।
आई एम मिसिंग। इतना टेस्टी स्वादिष्ट खाना देखिए, मेरा तो देखते ही मेरा दिल इतना खुशी से उछलता है कि पूछो मत। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।